वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र एमजेपी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं, याद रखना बरेली यूनिवर्सिटी जिसकी भी है वो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, एक एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। बॉटनी का पेपर देखे आयो, देख लेना एक एक क्वेश्चन भाई छपा है जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देख लो, बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स वाले सभी लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात को। देखो ये है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का पेपर है, जिसका फंडामेंटल्स केमिस्ट्री का नाम हो जाएगा। आपको आपको क्या क्या पढ़ना है इतना ध्यान रख लो, कम टाइम है आपके लिए। पढ़ना क्या क्या है वो देखो, आपको सिर्फ पढ़ना है जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ भाई। और पेपर जैसा हुआ करे ना, आपका पेपर जैसे अभी हुआ 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट, जैसे आपको फोन तुम्हारे हाथ में आता है तुरंत मेरे जो आपको फोटो है जो आपका पेपर का, उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे सभी लोग 7037 3278 और 38 पर, ताकि मैं उस पेपर को सोल्यूशन करके बता सकूं और जो ऑब्जेक्टिव आए हैं उनके राइट आंसर बता सकूं, ठीक है। कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्या तरीका पढ़ना और किस तरीके से आप उन क्वेश्चन को अच्छे नंबर से ला सकते हो, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, जैसे कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो आप बाकी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। या फिर हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं paperhacker.in पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां भी आपको नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के स्क्वायर में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। अब पेपर आपके करीब में है और आपने अब तक जो पढ़ा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद आप क्या पढ़ोगे वो फर्क पड़ता है। आज के बाद वही पढ़ना जो आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ मत देखना। पहला क्वेश्चन पर आप टिक लगा लेना, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर टिक लगा लेना। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकारों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसके सिद्धांत को देख लेना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है वंडरवाल्स समीकरण, वंडरवाल्स बल, ठीक है। तो वंडर एक समीकरण अलग आती है, वो दो सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे। वंडरवाल्स बल क्या होता है, उस पर टिप्पणी आपको लिखने के बोलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको मोस्ट पे लगा रहा हूं, वो रट के जाना है। इसके अलावा कुछ और नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी काम चलेगा आपका। आपको 85% प्लस, मतलब कि टॉप करने वाले हो, टॉपर बनोगे तुम आपकी, ठीक है, देख लेना तुम, सच बता रहा हूं। और कोई भी परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है ना, तो तुरंत मुझे कॉल कर देना कि सर ये प्रॉब्लम आई थी मेरे एग्जाम में, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ देखो बीबीटी की बात करने वाले, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक आपको पूछता है एमओटीडी, जिसे कहते हैं आणविक कक्षीय सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको बोलते हैं। इसमें आपसे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन के बारे में आपसे डिस्कस करता है। तीनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बॉन्ड ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने करा रखे इन क्वेश्चनों के आंसर, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना। अब यहां देखो, यहाँ है सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, और आपसे पूछेगा कि सिग्मा और पाई बंध में अंतर क्या होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना ये इंपोर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट था, मोस्ट इंपोर्टेंट को पहले सबसे पहले बता रहा हूं। BSE, देखो BSERP थ्योरी जो होता है, जिसे हम कहते हैं सयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रत्यक्ष सिद्धांत, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पे लगा देना 100%। हर साल पूछी जाती है, आपकी भी पूछी जाएगी, हर यूनिवर्सिटी में पूछी जा रही है, ठीक है। बाकी आपसे कहूंगा आयनिक त्रिज्या को पढ़ लेना, आयनिक त्रिज्या और आवर्त सारणी के नियम जो है, आवर्त सारणी के नियम ये पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, नीचे चले जाओ, वो बाद में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो ऊपर बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन पढ़ना है देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन तीन प्रकार का आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो 6 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में SP3 SP2 और SP1 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, उसको पढ़ना है। प्रेत इफेक्ट क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे प्रेत इफेक्ट को। उसके बाद में नीचे जाना है और आपको पढ़ना है देखो ऑप्टिकल जो होता है ना, प्रकाशी सभ्यता, ठीक है, आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब दोनों को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, प्रकाश को पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे ज्योतिमितीय को, और एक पढ़ेंगे त्रिविमीय सभ्यता को। ये तीन सभ्यता है, इन टाइप होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद में आप पढ़ेंगे लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल को बनाने की विधि, बस यहां इतना ही पढ़ेंगे। फजान का नियम को पढ़ेंगे, बस खत्म हो गया। थोड़ा सा और पढ़ना है आपको, कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेगा, या तो आपसे कंप्यूटर का यूज पूछेगा या कंप्यूटर का भाग पूछ लेगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो ये पूछा है कि कंप्यूटर के कितने चरण होते हैं, उसका चरण विधि मतलब आविष्कार कैसे कैसे हुआ था वो पूछ रखा था, तो ये आपको देखना है उसकी विशेषताओं के बारे में।
और एक क्वेश्चन आपको देखना है जालक ऊर्जा के, याद करना है जालक ऊर्जा, अवभाव का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवभाव का नियम याद रखना मेरी बात को, जो बता रहा हूं वही पढ़ के जाना। अन्य विभव ऊर्जा, अन्य ऊर्जा, अन्य विभव ऊर्जा जो होती है इफेक्टिव, ये देख लेना है। एस ब्लॉक एलिमेंट तो जानते हो आप, एस ब्लॉक के बारे में सब जानते हो, मुझे पता है सब रट रखा है इनको। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेसोमेरिक इफेक्ट मोस्ट मोस्ट पे लगा देना। बॉन्ड ऊर्जा तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, बॉन्ड ऊर्जा। और उसके बारे में आता है आज देखो अति संयुग्मन, जिसे कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है मोस्ट, ये सर हर बार में क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन स्नाही और नाभिक स्नाही अभिकर्मक के दोनों यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना है, ठीक है। कार्बोकेटाइन की संरचना ये भी पूछी जा रही है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। लास्ट में बात कुर्सी और नौका जो समरूपण होता है साइक्लोहेक्सेन का, आप इसको पढ़ लेना है। अब बस आपको क्या पढ़ना है, अब मैं एक बार और देख लेता हूँ थोड़ा सा आपको जो भी दिक्कत होगी, इलेक्ट्रोमेक इफेक्ट को पढ़ लेना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को, मेसोमेरिक इफेक्ट को, ठीक है, ये पढ़ेंगे बस, बाकी यहां कुछ नहीं देखना है। और आपसे एक क्वेश्चन ये बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लें, एसपीडी ऑर्बिटल के आकार क्या होता है। एग्जाम से एक दिन पहले मैं एक वीडियो और बना दूंगा जो आपके पेपर में छपते होंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल आप इतना पढ़ लें, इतने में से ही आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। एक ये जरूर पढ़ना विद्युत रणात्मकता क्या होती है, बस इतने पढ़ के आप जाना 2022 के एग्जाम में, और फिर उधर से आना हंसते खेलते, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है, और मैं आपके ऊपर उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपको दिक्कत कर रहा है तो मुझे बताओ कमेंट करके, या फिर मुझे कॉल करके बता दो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय दोस्तों। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, ओके। चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को बताएंगे सभी लोग।